उच्च प्राथमिक विद्यालय झंझरा पांडे के बगल में किया जा रहा अवैध कब्जा। आपको बता दें, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम को झंझरा पांडे की प्रधानाध्यापिका नीरू श्रीवास्तव ने क्या बताया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भाजपा सरकार में सरकारी जमीन से छोड़िए, स्कूल की जमीन पर ही अवैध कब्जा हो रहा है। मकान बना लिया गया है, वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा मना करने पर, लड़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं। बीएसए महोदय प्रयागराज को इस विद्यालय की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अवैध कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद ना हो पाए। 12 के एसडीएम महोदय, जो इतने ईमानदार छवि में गिनती होती है, उनके नीचे के कर्मचारी पलीता लगाने में पीछे नहीं हटते। विद्यालय में मौजूद प्रधानाध्यापिका नीरू श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक रवि शंकर सरोज, सहायक अध्यापक महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापिका दरक्षा अंजुम, शिक्षा मित्र मिथिलेश कुमारी, यह सभी स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार के साथ 12 ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट के माध्यम से इसको दिखा रहा हूँ। क्या कितना सही है, क्या गलत है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपका क्या नाम है मैम? शिक्षा मित्र। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी। अच्छा, मिथिलेश कुमारी, यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगी, कैसे क्या है? अब सर, हम लोग जब से 2002 में आए हैं तो ये लोग हमको हमें लग रहा है कि 2000 से ही बसे हैं। आप कब आए हैं? हम 2002 में यहाँ हम 2002 जी, तब से ये लोग ऐसे ही। हाँ, बसे थे ये लोग। तो पहले एक मकान था, एक कमरा खाली बनाए थे, अब ये धीरे धीरे परिवार बढ़ा। अच्छा, मतलब बढ़ाते चले गए। क्या नाम है आपका मैम? क्या? दरक्षा। अच्छा, ये मैम आप भी इस बारे में कुछ बताएंगे इसके? नो कमेंट। 2016 में मैं यहाँ पे आई हूँ। जी जी, ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो देखिए, आप सब देख सकते हैं जो मैम ने बताया है, ये मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। क्या कितना सही है, क्या गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं 12 ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी, मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार के साथ स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, आप सब देख सकते हैं, मैं इस समय झंझरा पांडे प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप सब सरकार की कितनी लापरवाही देख रहे हैं, जो कि विद्यालय की अवैध कब्जा किए हों, उसकी वजह से विद्यालय का बाउंड्री नहीं बन पा रहा है। इसका दोषी कौन हो सकता है, ये तो प्रशासन कोई मामला संज्ञान में नहीं ले रहा है। अभी तक कई बार यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका जी हैं, उन्होंने हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि सर, हम इसका कई बार कई जगह एप्लीकेशन दिए सरकार को, लेकिन आज तक न डीएम सर ने लिया मामला संज्ञान में, न एसडीएम ने। और इसके बारे में क्या है, कैसे है, ये तो प्रधानाध्यापिका जी से बताते हैं, यही बताएंगी। आइए इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है माता जी? नीरू श्रीवास्तव। क्या आपके क्या मामला है? मामला ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमको प्रधान ने रखा हुआ है, पुराने प्रधान जी ने जी, और ये लोग हट नहीं रहे। न जाने कितनी बार हमने इनकी शिकायत भी की, लेकिन इसका कोई वो नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ पे आप शिकायत किया? ये एसडीएम के पास भी जा चुके थे। क्या बोले एसडीएम ने? बस एप्लीकेशन रिसीव किया है बस, उसके बाद और बिंदु में दिया है अपने बिंदु, ऐसे बिंदु तो नहीं, ऐसे एप्लीकेशन टाइप का बना के हमने दिया था। और इसके अलावा हमने अभी 112 पे हमने फ़ोन किया था, तो लखनऊ से फ़ोन उठा था, फिर उन्होंने हमारे पास 112 वाले नंबर की गाड़ी आई थी, उन्होंने हमसे बात किया और उन्होंने काम रुकवा दिया था। किधर काम लगा था, आगे इधर बढ़ रहे थे? पीछे की ओर हमारे स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने काम रुकवा दिया। ये नाम क्या है इन लोगों का, नाम किसी का पता है? राम नारायण है, कोल है एससी और होता है एससी एससी है, चमा रहे हैं। और कौन है मतलब? और उनके लड़के हैं, लड़के हैं। अच्छा, इनको यहाँ पे कितने साल से यहाँ रह रहे हैं ये लोग? काफ़ी साल से हैं ये, तो हमारे आने के पहले से ही हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जब बात किया था तो एसडीएम महोदय या डीएम ने क्या कुछ इधर मामला संज्ञान में लिए थे, तो क्या बोले थे इन लोगों, कहीं दूसरी जगह? हाँ, एक दिन सीडीओ साहब आए थे तो उनसे बताया था, तो उन्होंने लेखपाल से कहा था कि इनको जगह दूसरी जगह देने के लिए। अच्छा, तो अभी उसका कुछ वो नहीं हुआ। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया होगा?
ये हो गया है 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए आप सब देख सकते हैं कि सरकार की कितनी लापरवाही है, कहे कि इनको दूसरी जगह जमीन दे करके इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं आया। सीडीओ साहब ने बोला था। अब देखना ये है कि ये तो क्या होता है, कैसे होता है। मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इसको दिखा रहा हूँ, क्या कितना सही है क्या गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपका क्या नाम है मैम? शिक्षा मित्र। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी। अच्छा मिथिलेश कुमारी, यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगी, कैसे क्या है? अब सर हम लोग जब से 2002 में आए हैं तो ये लोग हमको हमें लग रहा है कि 2000 से ही बसे हैं। आप कब आए हैं? हम 2002 में यहाँ हम जी, तब से ये लोग ऐसे ही हाँ बसे थे ये लोग। तो पहले एक मकान था, एक कमरा खाली बनाए थे, अब ये धीरे धीरे परिवार बढ़ा। अच्छा मतलब बढ़ाते चले गए। क्या नाम है आपका मैम? क्या दरक्षान। अच्छा ये मैम आप भी इस बारे में कुछ बताएंगे इसके? नो कमेंट। 2016 में मैं यहाँ पे आई हूँ जी, जी ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा चलिए। देखिए आप सब देख सकते हैं जो मैम ने बताया है, ये मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा क्या कितना सही है क्या गलत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मैं बारा ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी, मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार के साथ स्पेशल रिपोर्ट।